Hey, hello everyone. This is another beautiful day once again. So let's go. आज मैं आप सब लोगों को मेरा फार्म का अपडेट दूंगा बहुत दिनों के बाद. So आज मैं बहुत सारे लाइव फूड लेके आया हूँ मेरे फिश के लिए, वो मैं खिलाऊंगा और लाइव फूड कैसे केयर करोगे वो भी बोलूंगा. So आप सब लोग देखते रहो ये पूरा वीडियो, ओके? So व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख सकते हो ये है ट्यूबी फ्लेक्स, ठीक है? ये एक तरीका का लाइव फीड आप सब लोग बोल सकते हो. ये फीड को आप लोग अगर खिलाते हो आपके फिश को, सो आपका फिश का ग्रोथ जो है सुपर फास्ट हो जाएगा. लेकिन मैं ये खिला नहीं पाता हूँ बिकॉज मैं घर पे नहीं रहता हूँ और इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, ठीक है? इसीलिए मैं ये नहीं खिला पाता हूँ, ठीक है? सो ये कैसे मेंटेनेंस करते हैं सब मैं डिटेल्स में एक दिन वीडियो बना के पोस्ट करूँगा आप सब लोग अगर चाहते हो, ठीक है? सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये सब ट्यूबी फ्लेक्स को हमारे जितने भी फिश है वो सब फिश को खाने के लिए देता हूँ, ठीक है? सो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख ही सकते हो मैं मेरा बैलून मौली का टैंक पे मैं ट्यूबी फ्लेक्स दे रहा हूँ. अभी थोड़ा सा डर रहा है इसीलिए नहीं खा रहा है, ठीक है? सो कुछ देर बाद ये सब लोग खा लेगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से खाते हैं, ठीक है? ये लाइव फूड, ठीक है? आप सब लोग भी ये ट्यूबी फ्लेक्स खिलाने की कोशिश करो आपके फिशेस को, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपका फिश, ठीक है? आप सब लोग देख ही सकते हो ये जो है मेरा शिम के टैंक पे मैं दे दिया. आप सब लोग देखो मेरा बैलून मौली जो है लाइव फूड खा रहा है, ठीक है? सो और भी जो फिशेज है वो सबको खाने के लिए दूंगा, ठीक है? सो आप सब लोग सिर्फ एक एक करके देखते रहो. आप सब लोग स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखते रहना, ठीक है? आपके लिए मैं बहुत प्यार से ये वीडियो बना तो, सो आप सब लोग भी प्यार से देखने की कोशिश करो. सो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जितने भी मिक्स फिशेज है, मतलब कप्पी फिश, मौली फिश, वो सबको एक साथ रखा है, ठीक है? सो मिक्स फिशेज को मैं जो है खाना दे दिया है. उसके बाद मैं जो फिशेज को दे रहा हूँ ये है मेरा मिक्स कप्पी है सिर्फ, ठीक है? इस टैंक पे मेरा मिक्स कप्पी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है? सो इसीलिए मैं मिक्स कप्पी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मिक्स कप्पी का बेबीज मैं मतलब 2 से 3 हफ्ते के बाद ही मैं सेल कर पाऊँगा, मतलब सेलिंग के लायक होगा. सो आप सब लोग मिक्स कप्पी का बेबीज को भी दिखाऊंगा, सिर्फ आप सब लोग क्या करो ये पूरा वीडियो देखते रहो, ठीक है? एकदम स्किप मत करके, ओके? सो आप सब लोगों को अभी जो टैंक दिखा रहा हूँ आप सब लोग देख ही सकते हो, ये टैंक पे है मेरा मोजाइक कप्पी और मोजाइक कप्पी का कंडीशन बहुत अच्छा है. मोजाइक कप्पी एकदम नेचुरल हैबिटेट के साथ मिल गई है, घुल मिल गई है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता है वो सबको. सो मोजाइक कप्पी के बाद जो फिशेज आप सब लोगों को दिखाऊंगा वो है मेरा श्रिम्प. सो आप सब लोग देखो ये कितना क्यूट क्यूट श्रिम्प का बेबीज, एकदम छोटा सा बेबीज है, ठीक है? बहुत छोटा. और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ बिकॉज ये श्रिम्प का मतलब 2 से 3 मंथ मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर विंटर, ठीक है? विंटर के सीजन के मतलब बाद समर जब आया मैं 2 से 3 मंथ तो मैं वेट किया कब मेरा श्रिम्प का बेबीज निकलेगा. सो आखिर तक मेरा श्रिम्प ने बेबीज देना स्टार्ट किया है. सो आप सब लोग सोच सकते हो मतलब अगर स्टार्ट किया है तो ये देता ही रहेगा, ठीक है? सो आप सब लोग को और भी थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ. आप सब लोग देखो यहाँ पर कितना सारा बेबीज है, ठीक है? सो कैमरा मतलब क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है इसीलिए आप सब लोग नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? सो आप सब लोगों को और एक बार बोलूँगा, आप सब लोग प्लीज़ श्रिम्प का ब्रीडिंग करो. श्रिम्प का ब्रीडिंग करके बहुत मज़ा है, ठीक है? ये मैं बोल सकता हूँ, मतलब प्रॉफिट कितना होगा वो मैं नहीं बोल पाऊँगा लेकिन श्रिम्प के ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा मज़ा है, ठीक है? सो अभी थोड़ा सा आप सब लोगों को मेरा मोजाइक कप्पी दिखाने की कोशिश करूँगा लेकिन मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं लेफ्ट हैंड से फिशेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. लेफ्ट हैंड पे तो मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ बिकॉज कोई भी मतलब मैं लेफ्ट हैंड पे काम नहीं करता हूँ इसीलिए राइट हैंड पे ज़्यादा काम करने में आसान होता है. सो आप सब लोगों को राइट हैंड में ही पकड़ के दिखाता हूँ, ठीक है? सो व्यूअर्स लोग, अभी आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ मेरा मोजाइक कप्पी, एडल्ट मोजाइक कप्पी. सो इसका क्वालिटी कैसे आप सब लोग ज़रूर कॉमेंट करके बोलना, ठीक है? सो ये सब क्वालिटी आप सब लोगों को मिलेगा, ठीक है? बहुत जल्दी मिलेगा बिकॉज बहुत सारे बेबीज का प्रोडक्शन हुआ है और वो रेडी हो रही है, ठीक है? सो वो सब फिशेस को भी दिखाऊंगा कितना ग्रो हुई है. और देख सकते हो ये मेरा फीमेल एग लोडेड मोजाइक कप्पी, ठीक है? इसके बाद में मेरा A1 बैच का जो मोजाइक कप्पी है उसको मैं दिखाऊंगा. आप सब लोग दिल थाम के बैठे रहो, ठीक है? आप सब लोग देख सकते हो ये है मेरा A1 बैच का मोजाइक कप्पी, मैं हाथ में पकड़ के आप सब लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, ठीक है? इतना फुर्तीला है जो है मैं हाथ में नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ठीक है? आप सब लोग देखो ये मेरा A1 बैच का मोजाइक कप्पी. सो इसका क्वालिटी आप सब लोग देख ही सकते हो. सो A1 का क्वालिटी ऐसे आई है. सो मैं कोशिश करूँगा मैं मतलब मैं
मतलब क्या बोलूँ मैं, कोशिश करूँगा मेरा जितना भी फिशेस मोदी गप्पी का बेबीज निकले वो सबका क्वालिटी ऐसे आए, ठीक है। सो आप सब लोग देख ही सकते हो मेरा A1 बैच का क्वालिटी कैसे, और एक फिश पकड़ के आप सब लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही क्वालिटी आप सब लोगों को अगर चाहिए, और आपको अगर कोई भी नॉलेज चाहिए आप सब लोग कॉमेंट करो गप्पी फिश रिलेटेड, मौली फिश रिलेटेड, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को, आप सब लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा चैनल अधूरा है, ठीक है। इसके बाद जो प्लांट्स आप सब लोगों को दिखाया, इस प्लांट्स का नाम है हाइड्रोकोटाइल वार्सिलेट, ओके। इसका साइंटिफिक नेम है, इसका मतलब क्या बोलो, इसको सब लोग जो नाम से पुकारता है वो है कॉइन प्लांट, ठीक है। कॉइन प्लांट आप सब लोग अगर नॉर्मल नर्सरी में जाके आप सब लोग बोलोगे हाइड्रोकोटाइल वार्सिलेट वो समझ नहीं पाएगा, आप सब लोग कॉइन प्लांट बोलना आप सब लोग मिल जाएगा। सो ये कॉइन प्लांट के टैंक पे मेरा है मौली फिश, ठीक है, ऑरेंज मौली और ब्लैक मौली है, और उसके साथ है गप्पी फिश। और ये ऑरेंज मौली और ब्लैक मौली के साथ बहुत सारे मौली फिश और गप्पी फिश के बेबीज भी है, ठीक है। वो सब बेबीज़ को भी दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सब लोग देखते रहना। और ये जो दो टाब आप सब लोगों को देखा, ठीक है, पानी है। सो ये पानी को मैं क्या करूँगा, मेरा जो मतलब जो बिग टैंक है उसमें मैं पानी दे दूँगा। और अभी जो चीज़ मैं ढूँढ रहा हूँ वो है नेट, ठीक है। नेट को ढूंढ रहा हूँ बिकॉज नेट ढूंढ के मैं आप सब लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। सो नेट नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है, ठीक है। सो आप सब लोग देखते रहो, मैं नेट ढूंढ लेता हूँ, मैं नेट को मिल गया, ठीक है। अभी क्या करूँगा आप सब लोग को जो चीज़ दिखाऊँगा वो है गप्पी, ठीक है। मेरा मिक्स गप्पी का बेबीज का साइज़ क्या है वो आप सब लोग को दिखाऊँगा, ठीक है। सो मिक्स गप्पी का मिक्स का साइज़ बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मैं नहीं सोचा था, मैं घर पे नहीं हूँ, खाना उतना अच्छे से नहीं मिलता है, टाइमली नहीं मिलता है, फिर भी इतना अच्छा ग्रोथ होगा मिक्स गप्पी का मैं ये नहीं सोचा था, ठीक है। बहुत सारे फिशेस अभी भी छोटा है लेकिन बहुत सारे फिशेस बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, ठीक है। मैं 2 से 3 हफ्ते के बाद ये मिक्स गप्पी सेल कर पाऊँगा, ये मैं मतलब मैं ये मतलब कोशिश करूँगा, ठीक है, सेल करने के लिए। इसका साइज़ अगर इन्हेंस हुआ तो ठीक है, साइज़ और कलर अगर ठीक से आए तो मैं ये सब मिक्स गप्पी को सेल करूँगा, ठीक है। सो ये है पेरेंट्स का क्वालिटी आप सब लोग देखो। सो आई होप पेरेंट्स के जो क्वालिटी है बेबीज़ में भी आएगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप सब लोगों को दिखाऊँगा, वो भी आप सब लोग देखते रहना, मेरा ब्लैक श्रिम्प, ठीक है। मेरा ब्लैक श्रिम्प का जो है फीमेल जो है एग लोडेड हुआ है, ये बहुत ही अच्छे न्यूज़ है, फीमेल एग लोडेड हुआ है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ब्लैक श्रिम को जो है अलग कर दिया हूँ, ठीक है। अलग करके मैं क्या करूँगा, बेबीज अगर हुआ पर देता है तो बहुत अच्छा, ठीक है, इसीलिए मैं अलग कर दिया है, ठीक है। ये मतलब ये कप्पी के टैंक पे। सो और एक क्यूट चीज़ आप सब लोग देखो, क्यूट जो वीडियो, ठीक है, ये है मेरा टॉमी, ठीक है। टॉमी मेरा फिश टैंक से पानी खा रहे है, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा बिकॉज़ ये बहुत ही प्यासा है, ठीक है, अभी समर के सीज़न है, बहुत ज़्यादा प्यासा है। तो वो था थोड़ा सा क्यूट वीडियो, ठीक है, फिर से आ जाता हूँ, ठीक है। आप सब लोग देखो, ये है मेरा मिक्स गप्पी का पेरेंट्स को आप सब लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ये है मेल मिक्स गप्पी, ठीक है। मेल मिक्स गप्पी का क्वालिटी कैसे, आप सब लोग प्लीज़ नीचे जो कॉमेंट ऑप्शन है वहाँ पर कॉमेंट करो, ठीक है। सो आप सब लोग और अच्छे से दिखाता हूँ मेल मिक्स गप्पी का क्वालिटी, देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं जब बाय किया था ये, मैं मेरे घर से 1.5 घंटा मतलब डिस्टेंस है वहाँ से मैं बाय करके लेके आया था। सो बहुत अच्छा लगा था क्वालिटी में, फर्स्ट टाइम में वीडियो देख के ही मैं ले लिया था, ठीक है। सो ये फिशेस को तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोग को ये इसका क्वालिटी कैसे लगता है आप सब लोग ज़रूर कॉमेंट करके बोलना। मिक्स गप्पी के अंदर ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा, ऐसे मिक्स गप्पी मेरे को नहीं मिला आज तक, ठीक है। बहुत सारे शॉप देखा है लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। सो व्यूअर्स लोग, जो ब्लैक श्रिम्प के बारे में मैं बात कर रहा था वो ब्लैक श्रिम्प पे ये, ठीक है, ये ब्लैक श्रिम्प का फीमेल जो है टोटली एग लोडेड है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। मतलब ये श्रिम्प को मैं विंटर के मिडिल टाइम पे लेके आया था, ठीक है। आप सब लोगों को वीडियो भी दिया था, आप सब लोग वीडियो अगर नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जब मैं ये ब्लैक श्रिम्प बाय करके लेके आया था उसका वीडियो आप सब लोग देख लेना। उस टाइम पे लेके आया था, मतलब आज से 5 से 6 मंथ पहले मैं विंटर के मिडिल टाइम पे मैं लेके आया था, ठीक है। उस टाइम पे
मतलब विंटर पे तो टोटल ब्रीड नहीं हुआ, ठीक है, समर पे आके ब्रीडिंग हुआ और फीमेल जो है एग लोडेड है, बहुत हैप्पी वाला बात है, ठीक है। आप सब लोग भी हैप्पी हुआ मतलब हुई हो, ठीक है, ये न्यूज़ सुन के। सो आप सब लोग को कैसा लग रहा है आप सब लोग ज़रूर बोलना, ठीक है, मतलब मेरा फिश प्रेगनेंट है इसीलिए, ठीक है। सो आप सब लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, मतलब आप सब लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी फीम मेल है कौन सी फीमेल, ये बहुत ईजी है, ठीक है। मेल जो भी होगा वो उतना मतलब क्या बोलूँ उतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ठीक है, एकदम मतलब जो है थीक बोलते हैं, ठीक है, एकदम थीक होगा। और जो फीमेल होगा वो बहुत ज़्यादा थीन होगा, ठीक है, मतलब मोटा होगा फीमेल। तो एक ये तो एक मेल दिखाया आप सब लोगों को, एक फीमेल आप सब लोगों को दिखा दो, फीमेल कितना ज़्यादा थीक है, मतलब फीमेल कितना ज़्यादा मोटा है, ठीक है। सो आप सब लोग देखते रहो, लेकिन दिखाओ कैसे, ये इतना फुर्तीला है, मतलब मेरे पास जितने भी फिशेज रहती है, ठीक है, सारे फिशेज अच्छे ही रहते हैं, ठीक है, और जो भी मर जाता है उसके बारे में तो नहीं बोलना है, ठीक है। मैं अभी केयर उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मर रहा है। मैं अगर घर पे रहता ये सबको केयर दे पाता तो यह बहुत अच्छे से रहता, ठीक है। आप सब लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, इस चैनल में कुछ टाइम मतलब आप सब लोग थोड़ा टाइम मेरे को दो, ऐसे इरेगुलर वीडियो आप सब लोग देखो, कुछ टाइम के बाद इतना रेगुलर वीडियो मैं पोस्ट करूँगा जो वीडियो देख के आप सब लोग को मतलब क्या बोलूँ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपडेट के साथ मैं लौट के आऊँगा, ठीक है, आपके पास। सो आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट देते रहो, जो भी बंदा फास्ट टाइम से मेरे को देख रहा है वो लोग मेरे को पहचानता है मैं कैसे आदमी हूँ, ठीक है ना। सो आप सब लोग को ये जो फीमेल गप्पी है, ये फीमेल गप्पी का एक दिन दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क ही है, लेकिन फिर भी आप सब लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप सब लोग ऐसे काम मत करो घर पे। सो ये जो फीमेल गप्पी है ना, इसका एक जो है नहीं है, मतलब कल तक मैं देख रहा था इसका एक था, लेकिन आज मेरे को नहीं दिखाई पड़ा, बिकॉज ये हो सकते हैं नया वाटर पे आके इसका एक जो है ले कर दिया है, ठीक है, मतलब एक दे दिया है। सो आई होप अगर ये होता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो उसके बाद जो फीमेल दिखाऊंगा उसका फीमेल का पेट में जो है एग है, ठीक है। सो आप सब लोग दिल थाम के बैठिए, ठीक है, मैं आप सब लोग को फीमेल का जो एग है वो मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, मतलब शीम के एग कैसे दिखाई देती है, ठीक है। ये नॉर्मल जो मतलब चिंगड़ी होता है ना, बंगाली में जो चिंगड़ी बोलते हैं वही सेम चिंगड़ी है, ठीक है। हाँ, सो ये देख सकते हो, ये है एग। हाँ, कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आप सब लोगों को उतना अच्छे से नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं फ्लैश चला के आप सब लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप सब लोग देखो, अच्छे से देखो तो आप सब लोगों को मालूम पड़ेगा एक, ठीक है। सो व्यूअर्स लोग, इतना प्यार से इतना डिटेल से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, सो आप सब लोग भी उतना ही प्यार दो आपके भाई को, ठीक है, बिकॉज़ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोग के लिए, मैं अवेलेबल रहूँ यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ बाहर पे, इसीलिए मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, ठीक है। आखिर तक मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप सब लोग के लिए मैं अवेलेबल रहूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ। सो आप सब लोग प्लीज़ मेरे बात समझने की कोशिश करो और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो भाई को। ज़रूर कुछ दिन बाद, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा नया अपडेट लेके आऊँगा आप सब लोग के लिए, एक बहुत ही प्यारा सा, हाँ, कुछ अपडेट मैं लेके आऊँगा। सो इसीलिए आप सब लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करते रहो। सो अभी जो क्यूट फिशेस दिखाऊंगा वो है मेरा बेलून मॉली। ये बेलून मॉली इतना क्यूट क्यों है, मतलब बेलून मॉली के बारे में जब भी मैं बोलता हूँ ना, मैं मतलब क्या बोलूँ, एकदम अलग ही फीलिंग्स आते हैं मेरे अंदर, बिकॉज ये फिश मेरा फास्ट फिश है, जो फिश को मैं ब्रीडिंग करके बेबीज़ रेडी करके सेल किया, फास्ट 120 रुपया का सेल किया था मेरे एक भाई को, उसका वीडियो मेरे पास थे इस चैनल पे। मैं ये चैनल जो है मेरा एक, मैं एक यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है, वो उसका वीडियो मैं डिटेल्स में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जैसे भी वीडियो करते हैं ना, मैं भी उतना ही प्यार से वीडियो करता हूँ, ठीक है, इसीलिए उसका वीडियो मैं देखता हूँ। सो वो बोलता है क्या ना, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ऐसे नहीं मेरे पास व्यूज़ आके उससे पैसा मिला, ऐसे नहीं, मैं मेरा जो मतलब स्मृति बोलते हैं बंगाली में, जो यादें है वो ताज़ा रहे, ठीक है, इसीलिए मैं भी मेरा जितना भी याद है वो ताज़ा रखने के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो मेरा फास्ट जब सेलिंग किया था उसका वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, सो 120 रुपया का सेलिंग
किया था मैं बेलून मॉली, इसीलिए बेलून मॉली का अभी भी रख रहा हूँ, ठीक है। सो बेलून मॉली दिखा दिया, उसके बाद जो फिशेस दिखा रहा हूँ ये है मेरा रेड, इसका नाम है, इसका नाम है फुल रेड डम्बो यार, ठीक है। इसका यार जो है टोटली रेड होता है और फुल बॉडी, सॉरी इसका यार जो है टोटली वायलेट कलर होता है, ठीक है, और फुल बॉडी रेड होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छे स्ट्रेन है, लेकिन बहुत दर्द भरे न्यूज़ है, इसका जो पेरेंट्स है वो मर गई है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जितना भी फिशेज है वो अगर मरते हैं तो मैं उतना सैड नहीं होता हूँ, बिकॉज उससे ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी फिश मरता है तो मोटिवेशन मिलता है कैसे फिशेज को केयर करना है, कैसे फिशेज को और अच्छे से रखना है जो है फिशेज नहीं मरे, ठीक है। सो आप सब लोग भी ऐसे मोटिवेशन रखने की कोशिश करो, आपका ये जो हॉबी है वो और भी अच्छा होगा। सो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गई है, ठीक है। आप सब लोग क्या करो, प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं वीडियो आप सब लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, फिश फार्म भी विजिट करूँगा, ठीक है, सब कुछ करूँगा। लेकिन आप सब लोग क्या करो, सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच।